हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अभी मैं हूँ ग्रेटर फरीदाबाद के एंट्रेंस के बाहर। मेरे पीछे आपको जो अगर होर्डिंग दिख रहा होगा तो वो एंट्रेंस है, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। तो मैं अभी आज की वीडियो में मैं आपको फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद का एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और सबको जिसका इंतज़ार है FNG एक्सप्रेसवे, तो उसकी काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं देख रहा हूँ, काफ़ी प्रोग्रेस हो चुके। वो बनने के बाद एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज नोएडा को आप डायरेक्टली 10 to 15 मिनट्स में ही कनेक्ट कर सकते हैं। 7 किलोमीटर्स का वो स्ट्रेच होगा, तो डायरेक्टली आप नोएडा 10 to 15 मिनट्स में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन, कनेक्टिविटी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ वो सब मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको जो पहले होर्डिंग्स हैं, एंट्रेंस है, वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम अंदर चल के शूट करते हैं। जैसे लोकेशन हो गया, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, जितनी चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ इस वीडियो में, ऑनेस्ट रिव्यू देने की आपको कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सामने जो होर्डिंग आप देख रहे हैं वो है, वहाँ से आपका ग्रेटर फरीदाबाद का एंट्रेंस है। जो होर्डिंग है वहाँ पे सेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं, 75 to 89 आपके रेसिडेंशियल सेक्टर्स हैं। वहाँ पे प्लॉट्स, फ्लैट्स, फ्लोर सब कुछ है वहाँ पे। और होर्डिंग है BPTP का, BPTP का भी यहाँ पे कार्निवल हुआ था 13 and 14 को। डिस्कवरी पार्क इनका रेडी टू मूव है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारे, तो वो अभी आगे जाके हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपका ग्रेटर फरीदाबाद का एंट्रेंस है, और इस तरफ आपका स्ट्रेट जाओगे तो 15-16 सेक्टर, और ये रोड से आप स्ट्रेट जाओगे तो आप ओल्ड कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेन अभी मेन रोड पर है। अभी हम अंदर चल के एरिया टू एरिया वाइज कवर करते हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, तो वो हम कवर करते हैं एक एक पार्ट करके। अगर कोई यहाँ से डेली ट्रैवल करता है तो उसको एक आइडिया होगा, अभी काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। ये बनेगा कब उसका तो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट जितना मैं देख रहा हूँ अभी प्रोग्रेस काफ़ी हो चुकी है। पहले ये सब भी नहीं था, ये जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले बना है, तो अभी प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम चल के अंदर जो आगे के पार्ट हैं वो कवर करते हैं, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, और मेट्रो जो है आपकी, क्या कहते हैं, गुरुग्राम वाली जो मेट्रो है वो स्ट्रेच भी आने वाला है। इसी रोड से स्ट्रेट जाके आप बाटा मेट्रो, जो बाटा मेट्रो स्टेशन है वो इसी रोड से आप जाते हैं, और बाटा से ही आपको गुड़गांव के लिए मेट्रो आने वाली है, तो वो एक कनेक्टिविटी भी एड ऑन होनी है फ्यूचर के अंदर। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ का जो फ्यूचर है और प्राइस है वो क्यों बूस्ट होने वाला है। अभी एक ये FNG एक्सप्रेस हो गया, क्या कहते हैं, आपका मेट्रो हो गया गुड़गांव का, और जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी यहीं से कनेक्ट होने वाला है। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो अभी चल के अंदर हम कवर करते हैं सेकंड पार्ट को। पार्ट टू में हम कवर कर रहे हैं स्कूल, बिकॉज मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं 7 out of 10 में सेल्फ यूज़ वाले लोग होते हैं, जो नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं या गुरुग्राम ट्रैवल कर रहे हैं, जो जिनका जॉब है, तो वो स्कूल्स भी देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल कैसे, कौन सा स्कूल अच्छा है या कौन सा स्कूल पास में है। तो सामने आपका है शिव नडार स्कूल, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे है DPS स्कूल, सेक्टर 82 में मैं अभी हूँ। तो ये दोनों स्कूल, जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, दोनों आपके सामने ही है, शिव नडार और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका DPS। और भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे, लाइक MVN स्कूल है यहाँ पे, अरावली है, श्रीराम स्कूल है, और जो जहाँ से हमने एंटर किया वहाँ से इसका अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये दोनों स्कूल्स हैं, शिव नडार और आपका पीछे DPS, और अरावली है, MVN है, श्रीराम है, और भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। तो पार्ट टू में अभी हमने कवर किया स्कूल्स, इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी कि यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। तो पार्ट थ्री, अभी हम हैं अमृता हॉस्पिटल के सामने, इसे अम्मा हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ हमने पार्ट टू शूट किया शिव नडार सेक्टर 82 में, वहाँ से अप्रॉक्स 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, ये है सेक्टर 88 में, और इसे जाना जाता है एशियन का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल के नाम से भी। ये है मोर देन 100 एकर्स में, 2500 प्लस बेड्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे अभी। और इसी के सामने यहाँ पर है पीछे ये आपका MVN स्कूल, और अदर हॉस्पिटल्स की बात करें तो इस लोकेशन में है आपका अकॉर्ड हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल्स भी हैं। ये है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल अम्मा हॉस्पिटल सेक्टर 88 में।
सो नेक्स्ट पार्ट में हम F&B फूड एंड बेवरेजेस रिटेल कमर्शियल को कवर करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 4 अभी हम है सेक्टर 79 में ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। तो ये है यहाँ की जान ग्रेटर फरीदाबाद की। तो यहाँ पे आपको सब तरीके के सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा कमर्शियल है, तो यहाँ पे भी फ्रंट में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, फिर ऊपर भी आपकी शॉप्स हैं, वो अंदर भी आपकी शॉप्स हैं। ये पूरा जो एरिया है ये भी यहाँ पे शॉप्स हैं। एंड बाय द वे यहाँ पे आने वाला है आपका नया कमर्शियल भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। और पीछे है ओमेक्स का रेसिडेंशियल टावर, तो ये काफ़ी बड़ा, इसको छोटा कनॉट प्लेस भी बोल सकते हो आप। सेक्टर 79 में पड़ता है, जो आपका जहाँ से आपने एंट्री करी ग्रेटर फरीदाबाद में वही स्ट्रेट रूट से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सेक्टर 79 में। तो बहुत बड़ा है ये, आप इसकी विड्थ से आप आइडिया लगा सकते हैं, वो एंड तक पूरी कार्स है। तो यहाँ पे मोरलेस आपके जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब टाइप के यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आपको शॉप की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको मिल जाएगी, अगर रिटेल में कुछ फ्रंट शॉप्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और इसी के फ्रंट में एक और कमर्शियल अभी आने वाला है अमोलिक का, वो वाइब्रेंट 82 करके, वहाँ पे भी आपका कमर्शियल आने वाला है, प्लस रोड के उस तरफ भी आपका कमर्शियल आने वाला है। तो शॉप्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी अभी अवेलेबल है। और जिन्होंने भी यहाँ पे आज से 2 से 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है, उनका सबका पैसे आज के टाइम पे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, तो रेंटल यील्ड भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। लास्ट पार्ट में हमने कवर किया ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 का कमर्शियल स्पेस, रिटेल स्पेस। और अगर आपको कमर्शियल स्पेस चाहिए तो BBTP का डिस्ट्रिक्ट 5 में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है शॉप्स, वहाँ पे 507 750 स्क्वायर फीट की शॉप वहाँ पे लॉन्च हुई है। तो मैं अभी ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 के सेकेंड पार्ट में हूँ। ये कमर्शियल अभी लॉन्च होने वाला है, यहाँ पे शॉप सब रेडी हो चुके हैं। तो मुझे बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था और अभी बहुत ज़्यादा फॉग हो चुकी है। पहले मैंने सोचा था मैं आपको BBTP का जो डिस्कवरी पार्क है वहाँ से शूट करके दिखाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा फॉग हो चुकी है अभी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आपके लिए आने वाले हैं बिल्डर फ्लोर्स, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर अभी हमारे पास आया है, 325 गज के वो फ्लोर्स हैं, रेडी टू मूव सेक्टर 85 में BBTP सी ब्लॉक में। तो अब बात करते हैं जो कनेक्ट, अभी हमने कमर्शियल बात कर लिया, हॉस्पिटल जो मेडिकल है मैंने आपको वो दिखा दिया, हॉस्पिटल दिखा दिए, स्कूल्स दिखा दिए। तो रेसिडेंशियल में यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट्स अवेलेबल हैं, फ्लैट्स अवेलेबल हैं, फ्लोर्स अवेलेबल हैं, सो सब तरीके की इन्वेंट्रीज यहाँ अवेलेबल हैं। तो BBTP का जो डिस्कवरी पार्क की मैं बात कर रहा था वो सेक्टर 80 में आपका बाटा मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे अभी रेडी टू मूव में 2 BHK अवेलेबल है, 675 का कारपेट एरिया, और 3 BHK डुप्लेक्स भी अभी अवेलेबल हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक प्लॉट चाहिए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फ्लोर की वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ, 325 गज के फ्लोर आए हैं सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर 85 BBTP सी ब्लॉक रेडी टू मूव। तो मैं एज सून एज पॉसिबल उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं अगेन कनेक्टिविटी की। तो जो ग्रेटर फरीदाबाद है ये पड़ता है आपका सेंटर में, यहाँ से आपका गुड़गांव, जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हो गया, या जो अभी IGI हमारा एयरपोर्ट है वो हो गई, तो सब तो जो सारी लोकेशंस है, नोएडा हो गया, तो सारी लोकेशन की ये सेंटर में पड़ रहा है, दैट्स वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग। आपको भी इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो प्राइस अभी आपको मिलेगा फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपका 2 times एटलीस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी 75 to 80 की रेंज में अगर कोई प्लॉट लिया, वो प्लॉट में ऑप्शन भी अभी अवेलेबल है हमारे, तो वो प्लॉट्स जो है 75 to 80 में जो अभी चल रहे हैं वो आज से 6-8 महीने में उसका प्राइस 1 lakh rupees एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी रेडी हो चुका है सेक्टर 98 में, सॉरी हमारे पास 65-70 की रेंज में भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है रीसेल के अंदर। तो अगर BPDP में आप प्लॉट देखते हैं तो उसका ऑलरेडी प्राइस आपका अभी 85-90 मिनिमम चल रहा है, उसके ऊपर के ही सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये सेंटर में पड़ता है, ग्रेटर फरीदाबाद है वो है आपका बिल्कुल सेंटर का लोकेशन, यहाँ से आपका नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सबके ये सेंटर में पड़ता है। और फ्यूचर में जो जैसे FNG वाला है,
वो एक बार रेडी हो जाएगा, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये जब सब पूरा रेडी हो जाएगा तो आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत स्मूथ हो जाएगी, आप हर एक लोकेशन को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आप सेंटर में हैं। तो इसीलिए जो लोग मूव कर रहे हैं वो उनका जो मेन रीज़न है मूव करने का वो यही है कि बिकॉज ये सेंटर में पड़ता है और आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, आप इजीली हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको दिल्ली कनेक्ट करना हो, चाहे आपको गुड़गांव कनेक्ट करना हो, चाहे आपको नोएडा गाजियाबाद कनेक्ट करना हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका पीछे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वो तो वो भी आपका एवरीथिंग यू कैन एवरी प्लेस यू कैन रीच अराउंड 20 टू 30 मिनट्स के डिस्टेंस में। तो ये एक मेन रीज़न है लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी मैं हूँ जो ओमेक्स का वर्ल्ड स्ट्रीट में, तो ये पार्ट टू है इसका कमर्शियल का जो अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, पार्ट वन इसका ऑलरेडी हिट है। तो सारी शॉप्स आपकी यहाँ पे फुल है, अच्छा आपको रेंटल यील्ड मिलता है यहाँ पे कमर्शियल स्पेस में। तो अगर आपको शॉप चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, फ्लोर चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो हर एक टाइप की इन्वेंट्रीज इस लोकेशन में अभी अवेलेबल है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं ये वीडियो को और अच्छे से बनाना चाहता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी बहुत फॉग हो गई है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा।